knowledge, but I would like to share with you what I tell my students in listening boards. दो चार बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप दो चार सवाल कर लीजिए. पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि आप जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन, चार जनरेशन नहीं 25 जनरेशन से बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ होम्स. सही बात है? से यस. नाउ हमारे समय में जिसको नॉलेज होती थी उसकी बहुत इज्जत होती थी कि भाई उसको बुलाओ, उसको बहुत नॉलेज है, उन्हें बताएगा कि ये क्या होता है और हम उसको करके दिखाएंगे. अभी उसको बुलाने की जरूरत नहीं, हमारे पास गूगल अंकल है. इट इज अ बिग ब्लिस फॉर यू, इट्स अ बिग ब्लिस फॉर द जनरल जनरेशन. बट नाउ हैविंग सेड दैट, इट इज अ बिग कर्स फॉर यू. Is it this is a big curse for you? Reason, जो knowledge आपके पास है social media से या इससे, वो knowledge 10 billion youngster को भी है, चाहे वो जमशेदपुर का है चाहे वो पटना का है. Knowledge वाले की सामान्यता है कि he is well equipped, मतलब फ्रैक्चर नहीं है, संपूर्ण है. वहां से हम बात शुरू कर सकते हैं. इसलिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ कि सर आप सुभाष जी हमको ये बताइए, ये तो आपने कह के डरा दिया हमें, इसके आगे हम तरक्की कैसे करेंगे, इस कंपटीशन में जीतेंगे कैसे, ये तो जानना चाहेंगे. नॉलेज से ऊपर एक चीज होती है इंटेलिजेंस. उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ये पैशन है, मैं पागल हूं. पैशन है मेरा, बेटा पैशन वाले ढूंढ लेंगे, सरलता से काम सोचो, सरलता से सोच लो कि दुनिया को क्या चाहिए वो हम प्रोड्यूस करें. बाकी रही बात, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, हमारे सामने मित्र सामने अगरवाल साहब ने सोचा अंग्रेजी बोलने वाले को अप्लाई कर लेंगे. भाई तू समझ नहीं आया ना हमें क्या चाहिए, तो और स्पीच दे देना हिंदी में जाके, बस हो गया काम. अंग्रेजी ऐसे बोले हैं, ये नॉलेज वाला जो होता है, ये नॉलेज वाला बुरा है, बुरा पढ़ के आया एकदम, चलो भी तो खड़ा हो जा, डाटा वाटा सब को बताता चला जा, मैं पीछे बैठा हूं. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अप्लाई कर लिया, भैया खाता वाला तो ठीक रखना ना, फिर एक लॉयर लिया, देखो भी दुश्मन उश्मन आए तो लॉ वॉ ठीक होना चाहिए, फिर सरकारी बंदा भी रख लिया, जुगाड़ तो करते रहेंगे भाई दोनों. पांच बंदों से उसने संपर्क रखा और वहां से वो शुरू हुआ. सेलर एंड बायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नंबर वन, मोर देन योर ओन स्किल एंड टैलेंट. आपके पास टैलेंट है और बेचने की स्किल नहीं है तो वो घर में ही अपना उड़ता पंजाब बन के रह जाएंगे, वो नहीं मैं भाग जा सकता. वो आता नहीं इसीलिए मेरे आइडियाज को कोई समझता नहीं है, मैं कैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं कैसी कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मैं ये आइडिया बनाइए, सोचिए, थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस. नो डाउट जो हो रहा है उससे बेहतर सोचिए, लेकिन सारे पीसेस का लीजिएगा दो चीजों, एक कि मेरा देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है. देयर हैज टू बी एन आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. मेरा मोबाइल आपके मोबाइल में नेटवर्क का काम नहीं करेगा तो हम बात ही नहीं कर सकते. कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें लोग उठ उठ के जा रहे हैं और मैं कहूं कि मैंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, लोग समझ नहीं सके, तो फिर मुझे ऑडियो लगाना चाहिए, नेटवर्क ही खराब है. सो कम्युनिकेशन इज अ नेटवर्क बिटवीन टू पीपल. सो व्हेन यू कंसीव एन आइडिया फॉर फिल्म, व्हाटएवर फिल्म और स्टोरी यू वांट टू टेल, यू मस्ट अंडरस्टैंड ये मैं किसको दिखा रहा हूं, इसको देखने वाला कौन है, एक अनजान आदमी, वो किस तरह का आदमी मैंने सिलेक्ट किया है. मैंने दो फिल्में बनाई थी एट ए टाइम, लास्ट फिल्म का नाम था युवराज, साथ में दूसरी फिल्म बनाई थी ब्लैक एंड व्हाइट. युवराज नई फिल्म थी 35 करोड़ रुपए के बजट की, सलमान खान का तुमने और जो ब्लैक एंड व्हाइट थी वो मेरी 7 करोड़ की बनी,
Same director, same producer, same writer. I made two films. But when I chose to make black and white, मैं बिल्कुल क्लियरली अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा और अपने मिरर को कहा ये फिल्म 7 करोड़ के ऊपर की बजट की नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें ऑडियंस जो है वो 30% ही आएगी, 100% ऑडियंस नहीं आएगी. इसमें सलमान खान भी नहीं है, इसमें वो ग्लैमर भी नहीं है, इसमें जोली के पीछे नहीं है, इसमें कुछ नहीं है. ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ एक रियल इशू के ऊपर, एक टेररिज्म के ऊपर. ये फिल्म में रियल पीपल, रियल सब्जेक्ट, रियल प्ले. ये सुभाष घई की फिल्म नहीं होनी चाहिए. और मुझे ये प्रेशर था कि मैं 7 करोड़ में ही बनाऊ. आदतें मेरे को पड़ी थी बड़े बड़े, बड़े पिक्चर बनाने की, खर्चे भी ऐसे होते थे. लेकिन मैंने कंट्रोल किया. जो युवराज फिल्म थी 35 करोड़ की, उस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया, 5 करोड़ लॉस हुआ. जो ये फिल्म बनाई 7 करोड़ में, इसने 14 करोड़ का बिजनेस किया और 7 करोड़ प्रॉफिट हुआ. अब कौन सी प्रॉफिट वाली फिल्म? जो मैं बनाना चाहता था. लेकिन दोनों फिल्में मुझे मालूम था कि इसकी ऑडियंस क्या है और इसकी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस का टेक्सचर क्या है. ऑल फिल्म स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट देयर ऑडियंस प्लीज. देन यू से कि दिस ऑडियंस आई कैन टेल देम लिटिल बेटर देन व्हाट दे हैव बीन वॉचिंग. इनको वो दिखाऊं जो इन्होंने ना देखा. पर देखने वाले तो यही है. आप कभी पुराने थिएटर में गए होंगे? अभी तो नहीं. जो सिंगल थिएटर होते हैं उसमें पहले फ्रंट स्टार होता था, फिर मिड स्टार, फिर अपर स्टार, फिर बालकनी. यानी फ्रंट स्टार मीन्स कि भी सब आगे रक्षा वाले जितने वर्कर लेवल है वो बैठेंगे, छोटी सी टिकट लेंगे. फिर मिड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास,